गुड इवनिंग एवरीबॉडी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 3 क्लास 9 एंड वीडियो विल बी 121। चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है और छोटा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो इसमें क्या है, हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है उसमें हम जो प्लेन है उसको हम अपने एक्स और वाई एक्सिस के बीच में डिवाइड करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स डैश बोलते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और जहां पे दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो जीरो होती है। ओरिजिन पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ए बी एस आई सी आई डबल एस ए, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ओर्डिनेट। एक्स को एब्सिसा बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स को ओर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है भाई। और दोनों जहां मिलेंगे उसको ओरिजिन बोलेंगे। पहली बात तो दोनों जहां मिलेंगे उसको ओरिजिन। एक्स दो एक्सिस होते हैं, एक किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए टू डी में, या आपका जो प्लेन पीस ऑफ पेपर है उसके ऊपर हमने किसी पॉइंट को लोकेट करना है, उसके लिए हमें एक्स और वाई दो पॉइंट की जरूरत होगी, उससे हम उसकी पोजिशन बता पाएंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब देखो ये एग्जांपल वन है पेज नंबर 57 पे, आसान है बिल्कुल। हमें बताना है कि कौन से क्या होगा। देखो मैं इसमें बुक का देख लो वैसे देखो तो वैसे देख लो, मैं भी बना देता हूँ। इसको मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया, ओरिजिन भी बता दिया, जीरो जीरो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। पहले हम जब भी किसी पॉइंट्स की पोजीशन को बताएंगे तो पहले एक्स की पोजीशन बोलेंगे फिर वाई की बोलेंगे। सेकंड में वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स जो रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। और पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करेंगे हम इस ग्राफ के ऊपर वो भी बताएंगे अभी। देखो ये आपका 1, 2, 3, 4 -1, ये -1 है एक्स के, -2, -3, -4, -5 ये वाई का -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, 1, 2, 3, 4, 5 एक्स और वाई सबकी वैल्यू आ गई हमारी। एक्स पॉजिटिव इधर होगा, एक्स नेगेटिव इधर होगा, वाई पॉजिटिव ये रहा और वाई नेगेटिव ये रहा, ठीक है भाई। अब जैसे कोई पॉइंट है, ये ए है,
ये पॉइंट क्या मान लो बी सी ए है। अब हमें केशव के कोऑर्डिनेट बताने हैं, डी का बताना है, ई का बताना है, एफ का बताना है, जी का बताना है, एच का बताना है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स की क्या हुई, ए के कोऑर्डिनेट है एक्स की वैल्यू 3 वाई की 3, एक्स की 3 वाई की 3। बी के बी में एक्स की 1 माइनस 1 और बी में एक्स की माइनस 1 वाई की 5, सी में एक्स की माइनस 2 वाई की 2, डी में एक्स की आपकी माइनस 4 वाई की माइनस 2। देखो थर्ड क्वाड्रेंट जो है दोनों ही नेगेटिव होंगी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। ई में एक्स की माइनस 2 वाई की माइनस 5। एफ का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स की 2 वाई की माइनस 1, एक्स की 2 वाई की माइनस 1। जी में एक्स की 3 वाई की माइनस 4, एच में एक्स की 4 वाई की माइनस 5। तो ये आपको वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी। आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है मुश्किल, बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं भाई। एग्जाम्पल वन ऐसा ही मैंने करवा दिया, एग्जाम्पल टू भी आसान है, मेजर करना कि कौन सा कोऑर्डिनेट्स है। मान लो ये दे दिया जाए, एग्जाम्पल टू है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं। एग्जाम्पल टू देखो पेज 59 पे, एग्जाम्पल टू पेज 59 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पूछता है। इसको चलो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, एक मिनट लगेगा। देखो अब जो ये बोलेगा हम वो ड्रॉ करते जाएंगे, बाकी की भी जरूरत नहीं है तो छोड़ देंगे। देखो भाई ए से लिखा 4 पे, यहां पे ए लिखा है, बी लिखा इसने यहां 3 पे, इसने यहां पे लिखा है 2/3 पे, डी इसने 4 पे लिखा है, यहां डी, यहां ई है भाई आपका, सी -5 पे लिखा है। ए पॉइंट पे क्या है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 0 है। कोऑर्डिनेट्स बताने थे, ए के क्या है 4 0, बी के क्या है एक्स की वैल्यू 0 है, वाई एक्सिस है, वाई पे एक्स की वैल्यू 0, एक्स पे वाई की वैल्यू 0, बी पे हमारा क्या है 3 है, एक्स की वैल्यू 0 वाई की 3, सी पे एक्स की वैल्यू -5 वाई की वैल्यू 0, डी पे एक्स की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू तो है ही नहीं क्योंकि ये पूरी वाई एक्सिस है, एक्स की वैल्यू 0 वाई की -4, ई पे ये 2/3 है, एक्स की वैल्यू 2/3 वाई की 0। तो इस तरह से आपने लिखना है, कुछ भी नहीं आसान है बिल्कुल पॉइंट्स। अब मान लो ये कह दे x इक्वल टू 3 लाइन खींचो, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 लाइन ये होगी,
ठीक है भाई, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 जो लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस होगी, कहते y इक्वल टू -5, ये x इक्वल टू 3 होगी, y इक्वल टू -2 खींचो, y -2, ये क्या है y इक्वल टू -2 लाइन होगी, ठीक है। अब कह दे x आपसे कह दे y इक्वल टू 5 खींचो, y इक्वल टू 5, ये आपकी y इक्वल टू 5 लाइन है, y इक्वल टू 5 किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है भाई। इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अभी पेज नंबर 60 पे 3.2 एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे भाई, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को वाई एक्सिस बोलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस, ये दोनों लाइन क्या बनाएंगे भाई, ये बनाएंगे क्वाड्रेंट बनाएंगे, फर्स्ट भी इसका सेकंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस, ये दोनों लाइन क्या कितने प्लेन बनाएंगे भाई, फोर क्वाड्रेंट्स बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, इसमें एक्स आपका नेगेटिव रहेगा वाई पॉजिटिव रहेगा, इसमें दोनों नेगेटिव रहेंगे, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और उसके बाद कहता है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ओरिजिन, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलेंगे, दोनों लाइन जहां काटती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसने कुछ नाम दे रखे हैं, आपके डायग्राम दे रखा है बुक में, तो ये बताना है कि इसके क्या क्या नाम है भाई, डी पे -6 है, ए से शुरू कर लेते हैं, ये डी है 6 2 पे, 6 और 2 पे है डी, यहाँ डी है, यहाँ बी -5 2 पे है, -5 2 पे बी है, चलो एच नीचे -3 5 पे है, एच ये आगे, उसके बाद में एम ये है -3 पे, उसके बाद में ई -5 3 पे, -5 3 ई है, जी पे -4 2 -4 2 जी, सी पे -5 5 सी है। तो क्या कहता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स की वैल्यू -5 वाई की वैल्यू 2 -5 2 फिर कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट क्या हुए, ये रहा एक्स की 5 वाई की -5 एक्स 5 है वाई -5 है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 -5 पे कौन सा पॉइंट है, दोनों माइनस के -3 -5 ये पॉइंट एच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पॉइंट एच है, -3 -5 पे पॉइंट एच है, -3 -5 पे कौन सा पॉइंट है, एच है। फोर्थ द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2 -4 एक्स की वैल्यू 2 वाई की -4 तो ऐसा कौन सा पॉइंट है भाई, ये जी पॉइंट है, पॉइंट जी,
उसके बाद कहता है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी का एब्सिसा, डी का एक्स एक्सिस एब्सिसा ए बी एस सी आई डबल एस ए ऑफ डी, एब्सिसा मीन्स डी का एक्स कितना है, यह आपका एक्स वैल्यू 6 है, 6 इसका आंसर होगा, ठीक है भाई 6 है, एब्सिसा ऑफ डी कितना 6। उसके बाद क्या कहता है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट ओ एच, एच का ऑर्डिनेट क्या है, एच कहां है जी एच, एच का ऑर्डिनेट एच का वाई, एच का वाई कितना -3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स एल के कोऑर्डिनेट्स एल हमने बनाया नहीं है, देखो एल होगा भी, हाँ एल हमारा -5 पे है, ये 5 पे है एल, एल पॉइंट ये है, एल के हमने कोऑर्डिनेट लिखे हैं, कोऑर्डिनेट मींस एक्स और वाई दोनों लिखे हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 0, वाई की 5 है। आठवां कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट एम कहां है भाई, ये रहा एम पे एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की 0 है, -3 0, कोऑर्डिनेट पूछे तो एक्स वाई दोनों लिखने हैं, कोऑर्डिनेट पूछे तो वाई लिखना है, एब्सिसा पूछे तो एक्स लिखना है। इसी के साथ आपकी 3.2 एक्सरसाइज खत्म हुई, और 3.3 करेंगे, 3.3 भी ऐसी है, 3.3 में कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलो 3.3 के लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, दैट विल बी वीडियो 122, इसमें इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं 3.3 के लिए, ठीक है भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी अवेलेबल इन वीडियो 122 में मिलेगी, ठीक है भाई, थैंक्स अगेन।